कोचिंग सेंटर्स के ब्लैक बिजनेस पर बड़ा खुलासा। नहीं भैया, करीब 350 बच्चा है, कहाँ है आप? डमी में 350। कोचिंग सेंटर्स के गैर कानूनी धंधे का स्टिंग ऑपरेशन। हर 3-3 साल के बाद ना गवर्नमेंट ये डिसीजन लेता है, फिर कोई भी इंप्लीमेंट नहीं होता, कुछ नहीं होता। ऑपरेशन कोचिंग DNA एक्सक्लूसिव। आज DNA में हम ऑपरेशन कोचिंग के जरिए देश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले कोचिंग सेंटर्स की पोल खोलेंगे, जिसका सिर्फ एक ही नारा है, अपना सपना मनी मनी, जिनके लिए पैसों के सामने ना छात्रों के जीवन का कोई मोल है और ना सरकारी नियम कानूनों का डर। आपको याद होगा, हमने DNA में कोचिंग के गढ़ कोटा में कोचिंग कारोबार पर रियल कोटा फैक्ट्री नाम से एक मुहिम चलाई थी, जिसमें कोचिंग सेंटर्स में पढ़ने वाले छात्रों में बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति, कोचिंग सेंटर्स में फीस के नाम पर चल रही लूट और डमी स्टूडेंट्स और कोचिंग सेंटर्स के भ्रामक दावों का रियलिटी चेक किया गया था। रियल कोटा फैक्ट्री के जरिए हम कोचिंग इंडस्ट्री का जो काला सच सामने लाए थे, उसे सरकार ने भी माना था। और इसी वर्ष जनवरी में शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए गाइडलाइंस जारी की थी। सरकार ने जो गाइडलाइंस प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले कोचिंग सेंटर्स के लिए बनाई थी, इन नियमों को तय करते समय सरकार का कहना था कि नई गाइडलाइंस का मकसद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले ऐसे कोचिंग सेंटर्स की मनमानी पर नकेल कसना है। लेकिन क्या ऐसा हो पाया है? इसका पता लगाने के लिए जी न्यूज ने देश के 3 नामी कोचिंग सेंटर्स का स्टिंग किया है, और स्टिंग ऑपरेशन में जो खुलासा हुआ है वो हैरान कर देने वाला है। सरकारी नियम है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले कोचिंग सेंटर्स 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों को एडमिशन नहीं दे सकते, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स 16 साल से कम उम्र के छात्रों का एडमिशन ले रहे हैं। सरकारी नियम है कि कोई भी छात्र 10th क्लास पास करने के बाद ही कोचिंग सेंटर में एडमिशन ले सकता है, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट 9वीं क्लास के बच्चों को भी एडमिशन दे रहे हैं। तीसरा नियम, स्कूल की क्लासेस के समय छात्रों की कोचिंग क्लास नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अब भी अपने छात्रों का डमी एडमिशन करवा रहे हैं। और ये बात हम सिर्फ दावों और आरोपों के आधार पर नहीं कर रहे, अपने दावे को साबित करने के लिए अब हमें एक एक करके आपको दिल्ली के 3 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का स्टिंग ऑपरेशन दिखाएंगे, जिसकी शुरुआत हम देश के नामी एलन इंस्टीट्यूट से करेंगे, जो नीट और IIT JEE की कोचिंग करवाता है, लेकिन भारत सरकार के नियम और कानूनों की धज्जियां भी उड़ाता है। दावा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाने वाला देश का टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट। हकीकत, सरकारी गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाने वाला टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट। और इसी हकीकत का पर्दाफाश करने के लिए जी न्यूज की अंडरकवर रिपोर्टिंग टीम दिल्ली के लाजपत नगर में एलन इंस्टीट्यूट पहुंची, जहां इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव से हमने अभिभावक बनकर बातचीत शुरू की। हमारा सबसे पहला सवाल था, क्या एलन इंस्टीट्यूट में 9वीं क्लास के छात्रों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाती है? बेसिकली ये मेरे भाई हैं, ये बिहार से, सिवान से, इनके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा अभी 8वीं पास करके 9वीं में जाएगा और एक बच्चा 10वीं पास करके 11वीं में जाएगा। उन दोनों के लिए बात करें, दोनों के लिए क्या ऑप्शन आपके पास है?
जस्ट एग्जाम उनका खत्म ही हुआ है। नहीं ठीक है, थैंक यू। एक बच्चे को जा रहा है आपका नाइन्थ में? हाँ, आठवीं पास करके नौवीं में जा रहा है, नाइन्थ में। सरकारी नियम है कि कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स कोचिंग इंस्टीट्यूट 10वीं पास से कम किसी बच्चे का एडमिशन नहीं ले सकते। हमें लगा कि 9वीं क्लास वाले बच्चे का एडमिशन लेने से एलन इंस्टीट्यूट मना कर देगा, लेकिन जी न्यूज के खुफिया कैमरे पर एलन इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव ने सबसे पहले 9वीं क्लास के बच्चे को ही एडमिशन का ऑफर कर दिया। पहले मैं 9th के लिए बता देती हूँ। एक होता है आपका फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स आपका फोकस करता है आपके स्कूल सिलेबस पे और कुछ बेसिक लेवल कंपटीशन का रहता है। तो इस केस में आपके पास दो ऑप्शन है। बैचेस आपके दो तरीके से चलते हैं। एक तो चलता है इवनिंग में, जिसमें हफ्ते में बच्चे को 3 दिन आना होता है, ट्यूजडे से फ्राइडे के बीच में। हिंदी में मतलब हिंदी में कैसे? नहीं, आपने क्या बोला कि दो तरीके से? इसमें 3 दिन आना। सॉरी, कोई बात नहीं। इसमें टाइमिंग आपका रहेगा शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे तक। ठीक है। जी न्यूज के खुफिया कैमरे पर एलन इंस्टीट्यूट ने सच कबूल कर लिया, और सच ये है कि एलन इंस्टीट्यूट में सरकारी नियमों के खिलाफ जाकर 9वीं क्लास के बच्चों को कोचिंग दी जा रही है। अब हमारा दूसरा सवाल ये था कि क्या एलन इंस्टीट्यूट अपने छात्रों का स्कूलों में डमी एडमिशन करवाता है। हमने एलन इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव से इस बारे में बातचीत शुरू की। तो क्या कोई एडमिशन का सिस्टम है अभी आपके यहाँ? मतलब कैसे? नहीं, स्कूलिंग तो कराना पड़ेगा कहीं ना कहीं से ना। स्कूलिंग के लिए तो सर आप देख सकते हो। मैडम, यहाँ दिल्ली में एडमिशन इतना आसान कहाँ से होता है? सर मैं एक काम कर सकती हूँ, मेरे पास एक स्कूल है समरफील्ड। हाँ ठीक है, इसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है ठीक है, 9th के लिए भी हो जाएगा, 11th के लिए भी हो जाएगा। बेस्ट है। जी न्यूज के खुफिया कैमरे पर एलन इंस्टीट्यूट के स्टाफ ने माना कि अगर बच्चे का एडमिशन उनके इंस्टीट्यूट में होता है तो उस बच्चे का स्कूल में डमी स्टूडेंट के तौर पर एडमिशन करवा दिया जाएगा। इसमें क्या रहेगा, हमारा जो भी प्रोग्राम शुरू हुआ है स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम शुरू हुआ है, आप वो भी फोकस कर सकते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि बच्चे को कहीं एडिशनली आने की जरूरत नहीं है, अच्छा स्कूल टाइमिंग में ही अपना कंपटीशन लेवल भी कवर कर रहा है। वो कैसे होगा? तो एडमिशन तैयार करेंगे टीचर तैयार? सर वो एलन के साथ टाइप हुआ है ना, स्कूल का एलन के साथ में टाइप हुआ है। उसमें क्या होगा कि हमारे कोर्स की फीस जो है वो तो हम लेंगे आपसे। स्कूल की फीस आई थिंक आपकी 11th की तो मैं समझ रहा हूँ 9100 पर मंथ हुई है, 9400 पर महीना। अच्छा, फीस स्कूल का? स्कूल का फीस देना पड़ेगा। तो इससे बच्चे का स्कूल का एडमिशन हो जाएगा, वहाँ पे क्लासेस चलेगी। यानी एलन इंस्टीट्यूट स्कूलों में डमी एडमिशन भी करवा देता है और स्कूल में जाए बिना स्कूल में अटेंडेंस की पूरी जिम्मेदारी भी लेता है। और ये डमी स्टूडेंट क्या क्या रहेगा? डमी स्कूलिंग का आता रहेगा कि 9वीं वीक में 4 से 5 दिन आएगा, 8:30 to 3:30 यहाँ पे सेंटर पे 8:30 सुबह से रात शाम 3:30 बजे तक। और स्कूलिंग के लिए कोई स्कूल स्कूलिंग के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई एक्सटीट्यूशन की जरूरत नहीं है, बच्चा आप यहाँ पे पढ़ेगा और सेल्फ स्टडी। और स्कूलिंग में जैसे जहाँ एडमिशन कराएंगे आप लोग वहाँ पे एग्जाम देने जाना होगा? वहाँ पे फाइनल में जाना पड़ेगा 12th 11th में कहीं नहीं जाना। यानी स्कूल में बच्चे का नाम भी लिखवा दिया जाएगा, बच्चे को स्कूल भी जाना नहीं पड़ेगा। 9वीं या 11वीं के तो कोई एग्जाम ही नहीं देने हैं, 10वीं और 12वीं में भी सिर्फ फाइनल बोर्ड एग्जाम देने होंगे। अब सवाल ये था कि आखिर वो कौन से स्कूल हैं जहां एलन इंस्टीट्यूट डमी एडमिशन करवा रहा है। इस सवाल का जवाब मिला हमें एलन इंस्टीट्यूट के डेप्यूटी मैनेजर आनंद कुमार यादव से, जिन्होंने बताया कि वो दिल्ली पुलिस पब्लिक स्कूल में भी अपने इंस्टीट्यूट के बच्चों का डमी एडमिशन करवाते हैं। DPPS स्कूल है, दिल्ली पुलिस पब्लिक स्कूल, वहाँ भी हम आपको करा देंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ से क्या होता है कि दिल्ली पुलिस के लोगों का ट्रांसफर होता रहता है तो सीटें खाली होती हैं, तो वहाँ पर आप एडमिशन करा लोगे। लेकिन फीस का पैरामीटर दिल्ली के स्कूलों में लगभग लगभग यही रहेगा,
तो सर वहाँ क्लास करना पड़ेगा क्या? हाँ सर, दिल्ली जो बोल रहे हैं इसको। नहीं, अगर वो तो कोऑर्डिनेशन है, बच्चा अगर एग्जाम तो लिखेगा, टेस्ट तो लिखेगा ही, वहाँ जो एग्जाम रेगुलर टेस्ट होते हैं। मेरी बेटी यहाँ पर है, वो कर रही है, मेरा बेटा भी वही था। तो जब हम लोग पढ़ाते हैं तो हमारा रिजल्ट से मतलब होता है, तो बच्चा स्कूल में एक्सीलेंट रिजल्ट दे रहा है तो इसको तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, अटेंडेंस होती रहती है, क्योंकि अटेंडेंस का लफड़ा होता है ना, क्योंकि वहाँ पर टीचर्स लगा देती है कि बच्चा जब लिख कर रिजल्ट ला रहा है ना, खेल रिजल्ट का होता है, कुछ स्कूल कहते हैं तो जब जरूरत पड़ती है कोई प्रोग्राम में तो उस पर चला जाएगा बच्चा, दिल्ली तो जाएगा नहीं वो। दिल्ली पुलिस पब्लिक स्कूल ये तो सिर्फ एक नाम है, एलएन इंस्टीट्यूट के दर्जनों स्कूलों से टाई अप है और अकेले दिल्ली में ही हर साल सैकड़ों बच्चों का डमी एडमिशन अकेले एलएन इंस्टीट्यूट करवाता है। तो आप क्या सर इन्वायरमेंट बच्चों को मिल जाता होगा ना, क्योंकि ऐसा नहीं कि मेरा बच्चा अकेले बैठ के पढ़ रहा डमी में। सोचिए एलएन इंस्टीट्यूट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले हर बच्चे की पसंद होता है, वो सरकारी नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा रहा है। जी न्यूज के खुफिया कैमरे पर एलएन इंस्टीट्यूट का काला सच रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन शिक्षा को व्यापार बना देने वाला एलएन इंस्टीट्यूट अकेला नहीं है। अभिषेक कुमार, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, जी मीडिया। जी